मंदिर की बात है तो आपकी बार मैदान में उतर रहे हैं गीता जी? बिल्कुल बिल्कुल उतर रहे हैं जी, मैदान में है, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो सोनिया जी क्या चाहते हैं, राहुल जी क्या चाहते हैं कि कम से कम तीसरे हिस्से की तो आए? श्याम लाल जी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंद हो गया तो आप देखो कितने कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो कार्यकर्ता बहुत अच्छा है, बड़े भारी जीती है। और अब की बार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें जोश है, अभी बहुत जोश है। रणदीप जी ने एक बात भी कही है, कैंडिडेट बहुत है, ट्रिटा भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक विश्वास होना चाहिए कार्यकर्ताओं में, विश्वास होना चाहिए। जो भी नेता प्रत्याशी देंगे बहुत बढ़िया देंगे। तो ऐसे में विद्या रानी जी एक बड़ा ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम तो मानते हैं कि सबसे बड़ा ऑप्शन है, बड़ा ऑप्शन है। बिल्कुल, तो क्या लगता है टिकट लेंगे मैदान में उतरेगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो टिकट के लिए कर रहे हैं। जी जी जी, कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मेहनत किस लिए करता है? जी जी जी, सबसे पहला उनका टारगेट टिकट ही होता है। जी जी जी, बाकी पार्टी हाईकमान ने देखना है। जी जी जी, जो पार्टी के, हाँ बिल्कुल 100% होनी चाहिए। जब बुरे टाइम में दो बार इलेक्शन लड़े हैं, जी जी जी, है? जी तो अच्छे टाइम में भी है ना, पार्टी नेचुरल बात है। बोलते हैं ना, हर बोल चेहरे को आगे करेंगे, हर बोल खाली नहीं जाती। और सोनिया गांधी जी की तो विशेष डायरेक्शन है। जी 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 जी, जहाँ से कोई भी लेडीज कैंडिडेट है, लेडीज कैंडिडेट पे ही पहले है ना, उन पे ही ध्यान किया जाए। यदि कोई लेडीज बिल्कुल डम्मी है तो दूसरे ऑप्शन होता है। सबसे मैंने कितनी है, आप ये देखिए कि हरियाणा में कितनी लेडीज ने, कितनी औरतों ने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से। तो सोनिया जी क्या चाहते हैं, राहुल जी क्या चाहते हैं कि कम से कम तीसरे हिस्से की तो आए? मंदिर की बात है तो आपकी बार मैदान में उतर रहे हैं गीता जी? बिल्कुल बिल्कुल उतर रहे हैं जी, मैदान में है, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। टिकट लेके फिर मैदान में? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, पार्टी हाईकमान है ना, हमारे को पूरी खास बात यही होती है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं, बड़ा जोश इनके अंदर होता है और उम्मीद होती है, और उम्मीद भी दुनिया कायम होती है। जी ठीक है जी, ठीक है। तो विद्या रानी जी के हस्बैंड को बताया जा रहा है विद्या रानी जी को लेकर, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा है कि टिकटार्थी बहुत है, लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट है जो हमें विधानसभा नरवाना के अंदर उतारना है, ताकि हम तमाम जो कैथल, यमुनानगर या फिर सिरसा की जो सीटें, विधानसभा की सीटें है, भारी मतों से हम जो जीत पाए और जीत दर्ज करवा कर कांग्रेस की सरकार है जो हरियाणा के अंदर लाई जाए। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल है जो बृजेंद्र सिंह जी है, पूर्व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, मैं सैलजा कुमारी जी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, तमाम जो नेबर, जो बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है वो मैनेजमेंट कमरे के अंदर है, और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो बाहर खड़े वेट कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और तमाम गोदी मीडिया का जो दौर आपने देखा है, उस बीच है जो 400 का नारा जो चला था उसको है जो करेक्ट करते हुए तमाम 240 सीट पर बीजेपी को है जो लाकर खड़ा कर दिया गया है, और एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी बनकर है जो सामने आए। भारत जोड़ो जो यात्रा है वो बड़ा इम्पैक्ट है जो इस इलेक्शन पे किया, तमाम लोगों से हमने बात की, तो राहुल गांधी जी एक मजबूत विपक्ष बनकर है जो खड़े हुए हैं।